सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज है संडे और धूप ज़्यादा दिख रही है, तो संडे को यार थोड़ा उठने में लेट हो गया है। और अलंकित भैया, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी हम लोग डोसा खाने के लिए मदर टच की शॉप में जा रहे हैं। वहाँ तो जा रहे हैं, पर उससे पहले कहाँ जा रहे हैं? आपको वो पैसे निकालने हैं, हम वहाँ जा रहे हैं ना। अलंकृत भैया, मैं पूछ रहा था यार, आपके पैसे इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो जाते हैं? यार अब क्या बताएं, मेरा खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है चीज़ों को लेके, जैसे ब्रेकफास्ट करना सुबह। अरे मुझे लगता है कुछ और भी खर्चा रहता है। सो गाइस, अभी अलंकृत भैया पैसे निकाल चुके हैं और हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं बताइए? अब लोग जा रहे हैं मदर टच की शॉप पे डोसा खाने के लिए। मदर टच अब चेंज हो गया है ना। चलो तुम लोग को दिखाता हूँ यार, अब पहले कहाँ था और सबको पता है, बट अभी कहाँ है बहुत लोगों को नहीं पता है। सॉरी, दिखाता हूँ आपको। पता ही, पहले मदर टच यहाँ था, दिख रहा है, अब वहाँ पे फूड पॉइंट हो गया है, बट अभी चेंज हो गया है। यार ये जो पार्क दिख रहा है ना तुम लोगों को, जो बगल में था पार्क के बगल में, ये ऑर्किड बेकरी, और इसी वाले रास्ते पे आ गए गाइस। अभी देख सकते हो, ये रहा मदर टच, अब यहाँ पे आ गया है, दिख रहा है। और ये रास्ते से आ रहे हैं सीधे उधर, ऑर्किड बेकरी वहाँ पे है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो अंकल यहाँ पे कैसे डोसा बनाते हैं। सच बताऊँ तो ये अभी तक का मुझे बेस्ट डोसा यहाँ पे लगा यार, जो मदर टच का डोसा। अपने ये जेसेस कॉलेज से पास में है, तो सारे लोग यहीं आते हैं। अंकल ये कौन सा डोसा? ऑमलेट डोसा। और ये कौन सा अंकल? एक चीज। पे देख सकते हो हमारे कॉलेज के एक भैया आ गए, नयन। जो कहाँ से हैं भैया आप? सिलीगुड़ी ना? हाँ, सिलीगुड़ी से हूँ। हाँ, तुम्हारा ब्लॉग तो मैं भी देखते हो हम लोग। हाँ, आप ऐसे ही बैठते रहे। और कौन कौन डोसा खाने आ रहे हैं? डोसा देख सकते हो अलंकित भैया खा रहे हैं, इनको हमेशा भूख ही लगा रहता है। कौन सा डोसा खा रहे हैं अलंकित भैया? पनीर डबल एग डोसा। कितने का है यहाँ? बाहर दिखा हुआ है भाई। हाँ, दिखा देंगे आपको। प्राइस पता नहीं है? प्राइस पता होना चाहिए ना। आप कौन सा ऑर्डर किए हैं? मैं ऑमलेट डोसा ऑर्डर किया है। ऑमलेट डोसा। सेजवान पनीर डबल एग डोसा। खाते हैं तो बताते हैं, पैसा है। वैसे बहुत अच्छा रहता है। भाई तू कौन सा अच्छा, कैसे टेस्ट है? टेस्ट काफी अच्छा है यहाँ। सर बताऊँ, यहाँ के सारे डोसे का टेस्ट बहुत अच्छा है यार। और अपने कॉलेज स्टूडेंट ने, जैसे कॉलेज जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत सही है। और रीजनेबल प्राइस भी है इधर का, मतलब है। 40 से चटनी देते है इधर, कभी भी नहीं देते। दो एक चटनी है कोकोनट का, एक टोमेटो का, एक सांभर है। गाइस यहाँ का टाइमिंग देख सकते हो 7 to 2 PM। देख सकते हो अंकल कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी लगातार, और आंटी भी हमेशा लगी रहती हैं मेहनत में। और इसलिए लगी रहती हैं क्योंकि आज रश देख सकते हो, संडे तो काफ़ी ज़्यादा रश है। और अलंकित भैया आपका बियर्ड कब काटेंगे? आप क्या मोदी जी के भक्त हो गया क्या? नहीं ऐसा बात नहीं है।
हमने कटारे लाइक हुआ जी जब लगे तो कटारा चाहिए। अरे ये खुद काटेंगे वही तो। अरे सब लोग तो हम लोग जो बॉयज लोग है वो तो नो शेप नवे मानते, वो तो नो शेप मार्च मान रहे हैं। कैसे चलेगा? एक कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया सुनाई दे रहा है आजकल। पेप्सी पहले 40 था 45 हो गया। सो गाइस क्या देख रहे हो, मतलब रात हो गई। रात हो गई इसलिए यार पूरा दिन भर मैं यार वो आज संडे था तो कपड़े वपड़े धुल रहा था और रूम की साफ़ सफाई किया इसलिए यार काफ़ी लेट हो गया। और अभी मैं जा रहा हूँ हमेशा की तरह अपने सीनियर के रूम पे। मेरे सीनियर के रूम वो देखो इधर है, अभी चलो तुम लोग को भी मिलवाता हूँ। मैं अपने सीनियर आशुतोष भैया के रूम पे आ गया हूँ। अब कैसे हैं, आपकी तबीयत ख़राब थी, अभी ठीक हैं आप? क्यों अभी भी ठीक नहीं हो गया? क्या हो गया, मतलब बुखार है कि जुकाम है खांसी? गोल्डन कफ। क्या है? गोल्डन कफ। वो गोल्डन कफ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे सौरभ भैया क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। आशुतोष भैया से तो मिल लिया, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि बस आशुतोष भैया से मिलूँ और सौरभ भैया से मिलूँ, है कि नहीं? हाँ भाई। कब आए? अभी आया हूँ। अब कब से गेट नॉक कर रहा था, अब खोल ही नहीं रहे थे। कौन सा गेम खेल रहे हैं भैया? फुटबॉल। ये गमछा का एकदम तगड़ा ई पी बी आर का शान, गमछा नहीं उतार सकते हैं आप? नहीं भाई। और क्या था, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अब सौरभ भैया का स्टिकी नोट लगाए हैं गाइस, सब देख सकते हैं। ये सब तुम इधर मारू भैया भी यहाँ पे आ गए गाइस। मैं दिखा रहा हूँ, अरे छोड़ी आपका नहीं दिखा रहा हूँ, सौरभ भैया की अचीवमेंट। सौरभ भैया ये देखिए ना, आपको मैं आपको मेडल मिला है। किसके लिए मिला था भैया मेडल? तेज बोलिए। ये वाला ब्लू वाला गाइस। सॉरी भैया कुछ तो मिला है, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। मैं भी कुछ ऐसा काम करूं, आप बताइए कि मैं ऐसा काम कब करूंगा कि मुझे भी कुछ मिले मेडल। सो गाइस आज दिन भर मैं यही किया हूं, रूम साफ किया हूं, तुम लोग को दिखाता हूं। ये देख सकते हो कोई गंदगी है नहीं, पूरा क्लीन गाइस। पूरा झाड़ू लगाया हूं, फिर पोछा लगाया हूं, फिर ये बेडशीट चेंज किया हूं, और ये सॉरी उधर मत देखो, उधर मत देखो, और सब क्लीन किया हूँ मैंने। बहुत अच्छा क्लीन किया है कि नहीं, साफ सफाई पूरी है कि नहीं मेरे रूम में, है ना? पूरे एक महीने बाद किया हूँ, एक महीने नहीं 15 दिन बाद। और तो यार इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं यार। व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो यार कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग जल्द आएगा। ओके गाइज बाय, लव यू।